ये सारा खेल रणबीर का ही हो सकता है। उसने ज्वाला को भेजकर हमारे गुप्त रहस्यों के बारे में जानने का षड्यंत्र रचा होगा। हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है, वो भी धोखे से। याद रखना, हमने अपना जो भी कुछ खोया है उसे एक दिन सूद के साथ हम प्राप्त करके रहेंगे। अभी तो पिताजी को भी इस विवाह के लिए मनाना बाकी है। मतलब सरकार की पिताश्री को इस बारे में कुछ नहीं बताना। परंतु कार्य क्या है तुम्हें किसी दिन हमारे सामने पकड़ कर लाना होगा। एक शेर। मैं तुम्हें स्वतंत्र कराने आई हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें स्वतंत्र कराऊं, मैं कुछ जानना चाहती हूँ। विजेंद्र सिंह की देखरेख के लिए हमने जिन सैनिकों को नियुक्त किया है वो सभी हमारे विश्वास पात्र हैं। फिर उनसे ये भूल कैसे हो सकती है? ये भूल नहीं, हमें कोई षड्यंत्र लगता है कुंवर। एक बार फिर सोच ले मंगला, जीवन एक बार मिलता है। यदि तूने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो हो सकता है हम तुझे क्षमा कर दें, किंतु यदि इसी तरह झूठ बोलती रही तो तेरी मृत्यु निश्चित है। रणवीर सिंह, यदि तू यहाँ पर होता तो अपने सैनिकों की दुर्गति देखकर रक्त के आंसू बहाता। शीघ्र ही तेरा भी रक्त बहाने का समय आने वाला है। मंगला के विश्वासघात के बाद इस महल में हम तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते। ज्वाला, जाओ, परमवीर सिंह को संदेश दो कि हमने उसे तुरंत महल में याद किया है। यदि हमारे भाई के जीवन की रक्षा करते करते हमारे प्राण भी छूट गए ना कलावती, तब भी हमें प्रसन्नता होगी, क्योंकि विधाता एक भाई को दूसरे भाई की रक्षा करने के लिए ही जन्म देता है। प्रणाम भाई जी। सदा प्रसन्न रहो परमवीर। आज तुम्हें अपने सामने देखकर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमारी सारी बिखरी हुई शक्तियां एकत्रित हो गई हों। ये सत्य है भाई जी, किंतु आपके मुख पर छाई परेशानी और दुख के भवों ने हमें विचलित कर दिया है। बस एक बार बता दीजिए कि किसने आपको पीड़ा पहुंचाई है, उसका रक्त बहाकर हम आपके मन को शीतल कर देंगे। शीघ्र बताइए भाई जी, क्रोध की अग्नि से हमारी भुजाएं फड़क रही हैं। शांत हो जाओ परमवीर, ये समय क्रोध और आवेश में आने का नहीं, अपितु शांति से बैठकर ये विचार करने का है कि महल की खोई हुई बागडोर हम वापस कैसे प्राप्त करें। महल के शत्रुओं ने हमारी सारी शक्तियाँ छीन ली हैं। उन्हें हम छीनकर वापस आपके चरणों में रख देंगे भाई जी, किंतु हम आपको उसी पद पर, उसी सिंहासन पर विराजमान देखना चाहते हैं जो आप छोड़कर गए थे। अब शगुन का पता तो हमें महल में प्रवेश करते ही लग गया था। ये तुम क्या कह रहे हो परमवीर? महल में प्रवेश करते ही किसने तुम्हें हमारी दुर्गति के बारे में बताया? कलावती ने। कलावती दिखावे के लिए आपकी दुर्गति पर दुख जता रही, किंतु मन ही मन वो अति प्रसन्न थी। लगता है महल में पलने वाले आपके उन मूर्ख शत्रुओं के साथ साथ कलावती का भी अंत आ गया है। भाई जी, आपका खोया हुआ अधिकार हम आपको दिला कर रहेंगे, ये परमवीर सिंह का प्रण है। तुम्हारे मुख से ये वचन सुनकर हमारे भीतर नए प्राण लौट आए हैं परमवीर। आज से हमारे शत्रुओं का पूरा समय आरंभ हो गया है, जिसमें एक नाम कलावती का भी है। तुम उस पर सदैव दृष्टि रखना, क्योंकि दिखने में जितनी भोली है भीतर से उतनी ही काली है। आज्ञा हो तो अपनी तलवार को कलावती के रक्त का प्रथम भोग चढ़ा दे भाई जी। अवश्य चढ़ाएंगे, किंतु अभी कलावती का रक्त बहाने का समय नहीं आया है। यदि इस समय हमने उसे अपने पद से हटा दिया और इस बारे में हमारे शत्रुओं को पता चल गया तो इसकी सूचना वो महाराज को दे देंगे और वो स्वयं हमारे शत्रु बन जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि महाराज को हमारे षड्यंत्र की जरा भी भनक लगे। हम समझ गए भाई जी कि अब हमें हमारे हर कदम फूक फूक कर रखने हैं, किंतु आप निश्चिंत हो जाइए, आपके अधूरे षड्यंत्र को पूर्ण करने का भार आपके छोटे भाई के कंधों पर है। जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक आपका यह छोटा भाई परमवीर सिंह आपके आगे ढाल बनकर खड़ा रहेगा। आज बहुत दिनों पश्चात हमने चैन की सांस ली है परमवीर। अभी कुछ ही समय पूर्व हमारे कारागार से हमारा एक कैदी भागने में सफल रहा। इससे पहले कि वह हमें कोई क्षति पहुंचाए, तुम उसे वहीं पहुंचा दो जहां से वो फरार हुआ था। यही प्रथम कार्य हम तुम्हें सौंपते हैं, और हमें विश्वास है तुम हारोगे नहीं। आपका भरोसा पूर्ण होगा भाई जी, केवल इतना बता दीजिए कि आपका वो बंधक कारागार की किस दिशा में भागा है और उसका नाम क्या है। उसका नाम है
कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह। ये क्या बात समाप्त हो गया? सामने गहरी खाई है, क्या करें? यदि हमारे सामने ये खाई ना होती तो हम इस पहाड़ को कब का पार कर चुके होते? पीछे हटना तो स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। यदि आगे बढ़े तो ये खाई हमें मृत्यु लोक पहुंचा देगी। अब आगे कैसे बढ़े? विजेंद्र प्रताप, ये क्या हमारे भाई का स्वर? भाई सूर्य प्रताप, हम तुम्हें खोजने आए हैं। विजेंद्र प्रताप, ये कैसा चमत्कार है? हमारा भाई हमारे सामने, देखो हम जीवित हैं और सकुशल भी। विधाता की कृपा है विजेंद्र प्रताप, तुम चिंता मत करो। महीनों के परिश्रम के पश्चात हमने तुम्हें खोज ही लिया। अब वापस पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो रूपनगर की मायावी शक्तियां तुम्हारे पाँव में फिर से बेड़ियां पहना देंगी। उस खाई को पार करके हमारे पास आ जाओ विजेंद्र प्रताप। यह संभव है भाई? नीचे गहरी खाई है। तो क्या हुआ विजेंद्र प्रताप? यह खाई मायावी है, नेत्रों को जो दिखाई देता है वो माया है। तुम चले आओ नहीं तो हम आ जाते हैं। ये क्या, ये हमारा भाई है या कोई माया? ऐसे भाई, जिसका संदेह था वही हुआ। तू हमारे भाई का भेष बदल कर हमें इस खाई में गिरा कर मारना चाहती है। अवश्य तू रणवीर सिंह की कोई मायावी सेविका है। ठीक पहचाना तुमने, पथ में तुमने मेरे दाता के सैनिकों को मार गिराया था और मेरी नींद टूटी थी युवराज। आज मैं तुम्हें सदैव सदैव के लिए मृत्यु की मीठी मीठी नींद में सुलाने आई हूँ। मूर्ख मायावी सेविका, जब तेरा दाता ही हमसे हार गया तो तू क्या कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह को समाप्त करेगी? आज हम अपने राज्य तेरा मस्तक काट कर ले जाएंगे और अपने राज्य को बताएंगे कि इस मायावी शक्ति ने हमारा पथ रोकने का प्रयत्न किया। मेनका के रहते हुए रूपनगर में कोई नहीं पहुंच सकता, और हाँ, यहाँ आने के बाद वापस अपने राज्य फिर कभी लौट भी नहीं सकता। प्यार से नई दुनिया मुझको पुकारे, खिल उठे मेरी आँखों में अब चांद तारे, नैनों के अंबर में सपनों के बादल उठती है नई सी हलचल।
भाई जी, आपका ये भाई जब इस रूपनगर के महल में लौटेगा तो सफलता के साथ लौटेगा, अन्यथा रणभूमि में आपके शत्रु विजेंद्र प्रताप सिंह से लड़ते लड़ते अपने प्राण निछावर कर देगा। आशीर्वाद दीजिए। उठो परमवीर, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम एक महायोद्धा हो, लेकिन याद रखना राजपूत की असली परीक्षा रणभूमि में ही होती है। रूपनगर के वनों की धरती उस युवराज के रक्त की प्यासी है, उस धरती पर उसका रक्त बहाना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। आपकी आज्ञा हमारे लिए भगवान का दिया आदेश है भाई जी। रूपनगर की रणभूमि की प्यास तो अवश्य बुझेगी, लेकिन उससे पहले हम उस युवराज को तड़पाएंगे। तड़प तड़प के जब वो अपने जीवन की भिक्षा मांगेगा ना, तब हम अपनी तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। नहीं परमवीर, शत्रु यदि समाप्त हो गया तो उसकी पीड़ा भी समाप्त हो जाएगी। विजेंद्र प्रताप सिंह हमें जीवित चाहिए, इसी में हमारी जीत है। हमें हमारा शत्रु जीवित चाहिए, तत्पश्चात हम उसे अपने समस्त बंधकों के सामने इतना तड़पाएंगे, इतना तड़पाएंगे कि हमारा कोई भी बंधक हमारे कारागार से भागने का साहस नहीं करेगा। आपका कहा सत्य होगा भाई जी। अब चाहे बादल गरजे या बिजली कड़के, परमवीर के कुचक्र को कोई नहीं तोड़ सकता। आज्ञा दीजिए। जाओ, विजय तुम्हारी ही होगी। भगोड़ा युवराज मृत्यु को प्राप्त हो गया कुंवर। परंतु कैसे, किसने किया उसका वध? वध नहीं, वन की सीमा रक्षक मेनका से लड़ते लड़ते वो युवराज पहाड़ से गिरकर कहीं लुप्त हो गया। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हमारी आज्ञा के बिना हमारी मायावी गुप्तचर ऐसा नहीं कर सकते। केवल एक बंदी के कम होने से क्या अंतर पड़ेगा कुंवर? तुम विचलित अति शीघ्र हो जाते हो। अभी तो रूपनगर के पथ में न जाने कितने युवराज हमारे जाल में फंसेंगे, फिर तुम चिंतित क्यों होते हो? भाई जी, ज्वाला ठीक ही तो कह रही है, एक बंदी कम हो जाने से एक शत्रु भी कम हो जाता है। नहीं परमवीर, हमने दिन रात जंगलों में भटकते हुए अनगिनत युवराजों को अपना बंदी बनाया है। हमारा प्रत्येक बंधक हमारा सैनिक है। उस युवराज की मौत का समाचार हमारे शत्रुओं की रणनीति का नया षड्यंत्र हो सकता है। उसकी मृत्यु पर हमें तभी विश्वास होगा यदि तुम उसका शव लाकर हमें दिखाओ। जाओ पहाड़ के नीचे खाई में या फिर पाताल से कहीं से भी उस युवराज को ढूंढ कर लाओ।
इस जंगल से बाहर निकलने का पथ क्या यही है युवती? क्या हम सही दिशा पर जा रहे हैं? पहले आप ये बताइए कि आप हैं कौन और इस मायावी जंगल में आप क्या कर रहे हैं? हम विजयगढ़ के युवराज विजेंद्र प्रताप सिंह हैं। हजारों युवकों की तरह हम भी रूपनगर चंद्रमुखी को पाने की चाहत में आए थे, किंतु रूपनगर के स्थान पे हमें रूपनगर की कारागार मिली। कारागार मिली? किंतु क्यों? इस पराये देश में आपने ऐसा क्या कर दिया जिसका आपको दंड मिला? चंद्रमुखी की लालसा रखने वाले प्रत्येक युवराज को हमारी ही तरह दंड भुगतना पड़ता है। रूपनगर के मंत्री रणवीर सिंह के गुप्त कारागार में सैकड़ों युवराज बंधक हैं। रणवीर सिंह ने युवराजों को बंदी बना रखा है? किंतु हम वहाँ से स्वतंत्र होने में कामयाब रहे और अब हम अपने राज्य वापस लौट जाना चाहते हैं। क्या ये बात सही है युवती? नहीं युवराज, रूपनगर आने का पथ बहुत आसान है किंतु वापस लौटना बहुत ही कठिन। ये पथ आगे भूलभुलैया की ओर जाता है, यदि आगे बढ़े तो किसी नए संकट में फंस जाओगे। यदि हम वापस लौटे तो रणवीर सिंह हमें बंदी बनाने का प्रयत्न अवश्य करेगा। उसने अपने सैनिक चारों तरफ फैला रखे हैं, हमें आगे बढ़ना ही होगा। किंतु युवराज, आगे ये पथ आपको मृत्यु के मुख में ले जाएगा। हमें कोई भय नहीं, युद्ध और मृत्यु से तो एक राजपूत का जन्म जन्म का नाता होता है। रणवीर सिंह की कारागार में बंदी रहने से तो अच्छा मृत्यु का वरण है। यदि ये पथ हमें मृत्यु की ओर ले जाएगा तो भी हम हंसते हंसते प्रस्थान कर जाएंगे, किंतु मृत्यु होने तक स्वतंत्र ही रहेंगे। ठीक है, चलते हैं। रणवीर सिंह के महल वापस लौटने का उद्देश्य कुछ कुछ समझ में आ रहा है। कदाचित वो मूर्ख अपने बंधकों की सेना के बल पर रूपनगर पर अधिकार जमाने का स्वप्न देख रहा है, किंतु उसका ये स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा। कलावती, तुम बहुत उद्दंड हो गई हो। हमारी आज्ञा के बिना हमारे कक्ष में प्रवेश करने का साहस कैसे किया? क्रोधित मत होइए हुजूर, हम केवल आपको ये सूचना देने आए हैं कि विजयेंद्र प्रताप सिंह अब आपके चंगुल से बहुत दूर निकल गया है। तुम विजयेंद्र प्रताप सिंह को जानती हो? जानते ही नहीं, अभी तो पहचानते भी हैं। किंतु तुम उसे कैसे पहचानती हो? किसने बताया तुम्हें उसके बारे में? बताते हैं हुजूर, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? किंतु उससे पहले ये तो बताइए, आपके उस गुप्त कारागार का कार्य कैसा चल रहा है? हमारी गुप्त कारागार? अब इतने भोले भी मत बनिए, हम आपके गुप्त षड्यंत्रों की पोल जान गए हैं। अब आप अपने पापों को स्वयं स्वीकारेंगे अथवा हम महाराज के समक्ष आपके षड्यंत्रों का ढोल पीट देंगे। क्या चाहती हो तुम? एक विश्वासघाती को दंड। सुना है महाराज के पीठ पीछे जो खंजर भोंकते हैं उसे महाराज हाथी के पैरों तले कुचलवा देते हैं। कलावती, तुम हमारे ही सामने हमारा अपमान कर रही हो। यदि तुम्हें कबला ना होती तो हम तुम्हें अपने पैरों तले कुचल देते। चिल्लाइए मत, नहीं तो सांसें फूल जाएंगी। ये मत भूलिए कि आपकी सांसों की डोर अब कलावती के हाथों में है। जिस दिन चाहूं डोर खींचकर प्राण छीन लूंगी। यदि आप अब भी अपने षड्यंत्र से बाज ना आए तो ये करतूतें महाराज के कानों तक भी पहुंच सकती है, और महल की बागडोर थामने का आपका स्वप्न कैसे पूरा होगा? संभल कर रहना हुजूर, इसीलिए समझाने आए थे। चलते हैं। कलावती को हमारे षड्यंत्रों के बारे में कैसे पता चल गया? मंगला की मृत्यु के पश्चात ये रहस्य सिर्फ ज्वाला जानती थी। कहीं ये आग ज्वाला की लगाई हुई तो नहीं है? तात्पर्य ये हुआ कि ज्वाला रणवीर सिंह को अपने वश में करना चाहती है।
हमें शीघ्र ही ज्वाला की इस अग्नि को शांत करना होगा। कुंवर, तुम भाग्य से आप हमारे घर चले आए, किंतु हम तो आपसे ही मिलने महल आने की तैयारी कर रहे थे। ऐसा क्या अनिष्ट हो गया ज्वाला जो तुम महल आने की तैयारी कर रही थी? अनिष्ट? हम सुखद समाचार लाए हैं कुंवर। विजेंद्र प्रताप सिंह जीवित है। वो अपने प्राणों की रक्षा करते हुए उत्तर पूर्व दिशा में भटक रहा है। ये शुभ समाचार देने हम तो महल आने को उतावले हुए जा रहे थे कि तुम स्वयं यहाँ आ गए। यदि ज्वाला सत्य कह रही है तो कलावती की चाल में आते आते हम बाल बाल बच गए। जब स्वयं ज्वाला विजेंद्र सिंह के जीवित होने की सूचना देने आ रही थी तो ज्वाला से पूर्व कलावती को इसका कैसे पता चल गया? किस सोच में डूब गए कुंवर? ज्वाला की इस गुप्त सूचना को सुनकर क्या तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई? जिस युवराज को तुम जीवित देखना चाहते थे वो अब भी तुम्हारे घेरे में है। यदि वो हमारे घेरे में है तो हमारे चक्रव्यूह से कभी निकल नहीं पाएगा। किंतु कलावती अपनी सीमा पार करती जा रही है। यदि आज हम उसकी चाल में आ जाते तो हमारे हाथों अनर्थ हो जाता। अनर्थ? कैसा अनर्थ? जो सूचना तुमने हमें दी है ज्वाला वो कलावती पहले से ही जानती है। ये कैसे हो सकता है? ज्वाला से पूर्व कलावती को ये सूचना कैसे मिल सकती है? अवश्य ही महल का कोई शत्रु कलावती से मिलकर तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है कुंवर। तुमने हमारे मन की बात कहती है ज्वाला। अन्यथा कलावती के मुख से अपने षड्यंत्रों की पोल खुलते देख हम तो अवाक रह गए थे। हमें लगा कदाचित ये भेद तुम्ही ने उसे दिया है। कुंवर, ज्वाला कुछ भी कर सकती है परंतु तुमसे छल ना करेगी। संकट पड़ने पर ज्वाला तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाएगी परंतु तुम्हारे विश्वास पर घात न होने देगी। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है ज्वाला, किंतु कलावती का कोई तोड़ ढूंढना होगा, अन्यथा हमारा सुख संकट में बदल जाएगा। कलावती हमारे महल लौटने का उद्देश्य और इच्छा जान चुकी है। हमारी समझ में नहीं आता हम क्या करें। तुम ही को युक्ति लड़ाओ ज्वाला। उस कलावती की काट तो केवल ज्वाला है कुंवर। कलावती को तो जाल में हम इस तरह फंसाएंगे कि उसे अपनी मृत्यु तक का पता ना चलेगा। किंतु इससे पहले कि युवराज विजेंद्र सिंह हमारी पहुंच से बहुत दूर निकल जाए तुम फिर से उसे अपना बंधक बना लो। लगता है हम रूपनगर की राज्य पार करके किसी और राज्य की सीमा में आ गए हैं। अब हमें पता लगाना होगा कि यहां से विजयगढ़ कितनी दूर है।
पता नहीं भाई जी, विजेंद्र प्रताप सिंह रूपनगर की सीमाओं में ही है या नहीं। परमवीर, वो इतनी शीघ्र रूपनगर की सीमाओं को पार नहीं कर सकता। पता नहीं उसका भाग्य इतना प्रबल क्यों। हमारी मायावी गुप्तचरों की दृष्टि पर भी पता नहीं कौन सा दृश्य पर्दा पड़ गया है कि कोई भी शक्ति उसे ढूंढ नहीं पा रही है। वो देखिए भाई जी, मैं देख रही हूँ आप सबके चेहरे, चेहरों पर गहराती अविश्वास की लकीरों। तो ये बेड़ियाँ जो टूटी उनकी शुरुआत कैसे हुई? वो जब घर में इस बात को कहती है परमिशन लेने के लिए तो उससे कहा जाता है हमारे खानदान में नचाया जाता है, नाचा नहीं जाता है। देखिए भाई जी, हमारा शत्रु जा रहा है। हमारे भाग्य खुल गए कि हमारा शत्रु अभी भी हमारे सीमाओं के भीतर है। चलो सैनिकों, देखते ये कहां लुप्त हो गया विजेंद्र प्रताप सिंह। सैनिकों ढूंढो उसे। अगर वो कहीं लुप्त हो गया है तो उसे खोज निकालना हमारा कार्य है। अब तो हमने उसे देख भी लिया है भाई जी, वो जहां जहां जाएगा हमारे नेत्र उसका पीछा करेंगे। आप महल में जाके विश्राम कीजिए भाई जी, उसको खोज निकालना हमारा कार्य है। मुझ पर नहीं तो कम से कम इस बेचारे अश पर तो तरस खाइए। वैसे भी इसे दो मनुष्यों का वजन उठाने की आदत नहीं है। देखिए ना,
कितना थक गया है बेचारा। युवराज, मैं इस घोड़े से नहीं आपसे कुछ प्रार्थना कर रहा हूँ। वो तो हम सुन रहे हैं जोरावर, पर हम ये सोच रहे हैं कि घोड़े पर तो हम अकेले बैठे हैं और तुम दो आदमियों की बैठने की बात कर रहे हो। युवराज, जिसका ये अश्व है वो आपसे तो ये सूर्य प्रताप सिंह, तूने कुंवर भानु प्रताप सिंह को ललकारा है और इस ललकार का परिणाम केवल तेरी मृत्यु है, जो तू स्वयं अपनी आंखों से देखेगा। अब ये क्या माया है? लगता है जैसे इंद्रलोक से कोई अप्सरा धरती पर आई। वो निशाचरी, महात्मा जी, डाकू दुर्गेश्वरी और परी परागनी के पश्चात अब ये किस माया के दर्शन हो रहे हैं? हे पति, अब किन विचारों में डूबे हुए हैं? यदि आप कहीं जाने का पथ पूछना चाहते हैं, तो संकोच मत कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। क्षमा करना है सौंदर्यवती, हम रूपनगर जाना चाहते हैं। क्या आप हमें राजकुमारी चंद्रमुखी के राज्य का पथ बताने का कष्ट करेंगे? अवश्य पथिक, परंतु क्या आप रूपनगर राजकुमारी चंद्रमुखी को प्राप्त करने के उद्देश्य से जाना चाहते हैं? यदि बुरा ना लगे तो
ये बताने का कष्ट करें? नहीं सौंदर्यवती, राजकुमारी चंद्रमुखी की हमें कोई लालसा नहीं। हम तो अपने भाई विजेंद्र प्रताप सिंह की खोज में रूपनगर जाना चाहते हैं, जो रूपनगर में बंदी है। रूपनगर में बंदी है? तो क्या आप केवल अपने भाई को खोजने आए हैं? क्या आपने कभी राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह करने का स्वप्न नहीं देखा? सुना है संसार के सारे युवराज राजकुमारी चंद्रमुखी की एक झलक पाने के लिए आतुर रहते हैं। हमारे मन में अपने भाई के प्राणों की रक्षा के अतिरिक्त अब कोई भी विचार नहीं आता है। जब हमने राज्य से प्रस्थान किया था तो अपने माता पिता को वचन दिया था कि जब हम राज्य वापस लौटेंगे तो अपने भाई को वापस लेकर ही लौटेंगे। बस एक बार अपने माता पिता को दिया हुआ वचन पूरा हो जाए तो उस अभिशप्त रूपनगर की तरफ भी नहीं देखेंगे, जहां हमारे भाई को बंधक बना लिया गया है। ये युवराज उसी विजेंद्र प्रताप सिंह का भाई है जिसे रणवीर सिंह ने बंदी बनाया था। चंद्रमुखी, लगता है तुझे तेरा मनचाहा वर मिल गया। कदाचित एक ऐसे ही सुदर्शन युवराज की तूने कल्पना की थी। चंद्रमुखी, तूने उसी को प्रियतम चुना था ना, जो चंद्रमुखी को न चाहे। देख, तेरा प्रियतम तेरे सामने खड़ा है। आप किस सोच में पड़ गई हैं सौंदर्यवती? अगर आपकी आज्ञा हो तो अब हम प्रस्थान करते हैं। अवश्य, यदि आप अपना नाम बता देंगे तो आपकी सहायता करने में हमें आसानी होगी। हम कुंवर सूर्य प्रताप सिंह हैं। एक अपरिचित की सहायता करने की शक्ति रखती हो, हम प्रसन्न हुए, मगर हमारे आदर्श एक स्त्री की सहायता लेने की आज्ञा कभी नहीं देते। धन्यवाद, हम प्रस्थान करते हैं। यही वो प्रथम युवराज है जिसके वर्षों से राजकुमारी चंद्रमुखी को तलाश थी। यदि वो सजीला युवराज हमारे मुरझाए हुए जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। रात्रि का अंधकार छा चुका है, अब यहां से आगे बढ़ना संभव नहीं है। चारों दिशाओं से हिंसक पशुओं की ध्वनि सुनाई दे रही है। यदि हम आगे बढ़े तो कोई भी पशु हम पर आक्रमण कर सकता है। नहीं, हमें कोई सुरक्षित स्थान ढूंढकर वहां पे विश्राम कर लेना चाहिए। यहां घने पेड़ों का झुरमुट दिखाई देता है, इन्हीं के नीचे हम सुरक्षित रहेंगे। हमें यही विश्राम करना चाहिए। वो
Yeah.